ऋषभ पंत टीम इंडिया के लिए लगातार सिरदर्द बनते जा रहे हैं। पहले T20 और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में ऋषभ पंत का निराशाजनक प्रदर्शन जारी है। क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे वनडे में टीम इंडिया को पंत से उम्मीद थी कि वो टीम के लिए रन बनाए। दो विकेट जल्दी गिर जाने के बाद पंत को 13वें ओवर में ही क्रीज पर उतरने का मौका मिल गया था, लेकिन ये मौका भी वो भुना नहीं सके और वो न्यूजीलैंड के ऐसे गेंदबाज के हाथों आउट हो गए जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ 11.1 ओवर ही डालने का अनुभव था। ऋषभ पंत को डेरिल मिचेल ने ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच कराकर पवेलियन की राह पकड़ाई। पंत ने अपनी इस पारी के दौरान 16 गेंदें खेली और सिर्फ 10 रन बनाए और इस तरह तीन वनडे मैचों की सीरीज की दो पारियों में वो सिर्फ 25 रन बना सके। बता दें कि नेपियर में खेले पहले वनडे में पंत ने 15 रन बनाए थे। आपको बता दें, पंत की खराब फॉर्म को देखते हुए उन्हें नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए प्रमोट किया गया था, लेकिन वो यहां भी कुछ खास नहीं कर पाए। उन्हें लेकर पहले ही कोच VVS लक्ष्मण ने कहा था कि उन्होंने नंबर 4 पर अच्छा परफॉर्म किया है और टीम उन्हें सपोर्ट करेगी, लेकिन पंत इस मौके का भी कोई फायदा नहीं उठा पाए और अब उन्हें प्लेइंग 11 में बार बार मौके दिए जाने और संजू सैमसन को टीम से बाहर किया जाने को लेकर देश के जाने माने नेता शशि थरूर ने पंत और VVS लक्ष्मण पर निशाना साधते हुए सवाल किया। VVS लक्ष्मण कह रहे हैं, पंत 4 नंबर पर अच्छा खेल रहा है, इसलिए उन्हें सपोर्ट करना जरूरी है। वो अच्छा खिलाड़ी है जो खराब फॉर्म में है। पंत पिछली 11 में से 10 पारियों में फेल रहा है। सैमसन का एक दिवसीय मैचों में एवरेज 66 है। उन्होंने अपने पिछले सभी 5 मैचों में रन बनाए हैं, लेकिन बेंच पर हैं। पता लगाओ क्यों। पंत के आउट होने के बाद शशि थरूर ने एक और ट्वीट किया और लिखा, पंत एक बार फिर फेल हो गए, जिन्हें व्हाइट बॉल क्रिकेट से एक ब्रेक की सख्त जरूरत है। संजू सैमसन से एक और मौका छिन गया, अब उन्हें IPL का वेट करना होगा, ये दिखाने के लिए कि वो भारत के लिए एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं। अगर पंत का सिर्फ इस साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो वनडे क्रिकेट के 10 पारियों में उनके नाम 1 शतक और केवल 2 अर्धशतक हैं। वहीं 2 बार वो 0 पर आउट हुए, जबकि 5 बार 20 रन का स्कोर पार करने में नाकाम रहे। उनका बैटिंग औसत भी पिछले साल की तुलना में काफी गिर चुका है।